हैबिटेट एंड नीश. चलो बताओ व्हाट इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है. इट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, दैट इज द हैबिटेट. ठीक है, तो जहां पे और क्या एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हम हैबिटेट कहते हैं, राइट. जबकि नीश क्या होता है? नीश होता है कंडीशन ऑफ लिविंग, कंडीशन ऑफ लिविंग, जो कि ये जवाब देता है दैट हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है. ठीक है, तो नीश कोई स्पेस या कोई प्लेस नहीं है. अक्सर हम आपको समझाने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं फंक्शनल एरिया, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत जनरल बात कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम इसकी स्पेसिफिसिटी में आते हैं तो हमको पता है कि नीश कोई एरिया नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, ये एक कंडीशन है. जैसे कि मान लीजिए आप आके कहते हो मैम आप मेरी कंपनी में चले आओ, तो मैं आपको क्या कहूंगी, मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए. तो वो टर्म एंड कंडीशन क्या कोई जगह है? नहीं, वो एक हालात है. एक आप कह सकते हो कि एक कंडीशन है जिस कंडीशन के फुलफिल होने पे ही मैं काम करूंगी. ठीक है, यस. तो नीश इज अ कंडीशन. जैसे एक और थोड़ा डिफरेंस बताती हूं मैं, जैसे मेरा घर मेरा हैबिटेट है, ठीक है, लेकिन आप जब मेरे घर में आते हैं तो आप मेरे घर को देखेंगे कि मैंने उस घर में कैसे कंडीशंस बना के रखे हैं. जैसे मैंने क्या साफ सफाई रखी है, या मैंने गंदा फैला के रखा है, मेरा घर कितना नीट एंड क्लीन है, ये जो है ये मेरे लिविंग कंडीशंस है. मेरे घर में एसी है या नहीं, मेरे घर में लाइट्स कैसी हैं, मेरे घर में फैन है या नहीं, तो ये कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आप आके देखोगे और फिर चीजों को समझोगे. तो हैबिटेट वो जगह होती है. हैबिटेट इज अ प्लेस जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है, बट नीश इज अ कंडीशन जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है. जैसे कि मैं अपने रूम की बात करूं तो मुझे रूम में एसी चाहिए, पंखा चाहिए, कुछ हरे भरे पेड़ पौधे चाहिए मेरे रूम के अंदर, तभी मुझे मेरे रूम में बैठ के काम करने में अच्छा लगेगा. तो ये जो मैंने अभी रिक्वायरमेंट बताई, दीज आर माई कंडीशंस फॉर वर्किंग इन माई रूम. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तो मैं मन देकर मन से जो है पढ़ा नहीं पाऊंगी. समझ रहे हैं आप? तो ये कंडीशंस होते हैं. जबकि अगर हैबिटेट की बात करूं तो भाई मुझे रूम एक मिल गया है, यहीं पे रहकर मैं पढ़ा रही हूं, तो दैट इज द हैबिटेट. लेकिन नीश क्या होगा? उस हैबिटेट में प्रेजेंट कुछ लिविंग कंडीशंस. और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा ऑब्वियसली. यहाँ पे रेफरेंसेस मेंशन कर दिए हैं. तो अगर मैं हैबिटेट की बात करती हूँ तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट जो है एक जगह है जहां पे एक स्पीसीज रहता है. ठीक है, इट इज एन एनवायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव एंड इट इंक्लूड ऑल द पैरामीटर, जैसे कि हो गया बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. सो इट इज अ एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एंड सर्वाइव. ये एक एरिया है जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए एक जंगल, जंगल एक जगह है जहां पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का घर एग्जिस्ट करता है, तो वो जंगल क्या है? वो जंगल एक हैबिटेट है. एक पॉन्ड ले लीजिए, पॉन्ड क्या है? पॉन्ड वहां पे रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट है. डेजर्ट ले लीजिए, ग्रासलैंड ले लीजिए, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट ले लीजिए, ये सब एरिया क्या है? ये सब एरिया हैबिटेट है. ठीक है,
जैसे कि अ पॉन्ड इज अ हैबिटेट ऑफ जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फिशेस एंड मेनी मोर ऑर्गेनिज्म, जहां पे वो रहते हैं. लेकिन नीश क्या है? नीश जो है ये एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन है इन विच दिस स्पीसीज इज लिविंग. तो नीश हमको जवाब देता है हाउ स्पीसीज लिव, स्पीसीज कैसे रहता है, यानी उसके द्वारा डिमांड किए जाने वाले सारे पैरामीटर जो उसको सक्सेसफुली जिंदा रखेंगे, रिप्रोड्यूस करने में मदद करेंगे, उन सारे पैरामीटर्स को हम उसका स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन मानेंगे और इसे ही हम नीश कहेंगे. सिंपल भाषा में कहें तो कभी कभी हम इसे फंक्शनल एरिया भी कहते हैं ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज का. बट याद रखिए ये कोई एरिया या कोई जगह नहीं है. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट एरिया और एनी काइंड ऑफ अ प्लेस, इट इज अ कंडीशन ऑफ लिविंग. हम जनरल बेसिस पे फंक्शनल एरिया कह देते हैं, पर ये कोई एरिया है नहीं, हम बस उसको कंसीडर कर रहे होते हैं इसलिए फंक्शनल एरिया कह देते हैं. लेकिन जब आप डिटेल में स्पेसिफिक तरीके से समझते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई ये कोई जगह नहीं है, कोई एरिया नहीं, ये कंडीशन है लिविंग का. सो इट इज अ पार्ट ऑफ हैबिटेट एंड इज कॉन्स्ट्रिक्टेड एज कम्पेयर टू द हैबिटेट. क्योंकि नीश हैबिटेट के अंदर रहता है तो नीश जो है हैबिटेट का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट हो सकता है. तो ध्यान रखिए क्या बोला गया, नीश इज नॉट अ प्लेस, ये एक आइडिया है बस, एक कंडीशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म के हमें टॉलरेंस एंड रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलता है. जैसे जब मैंने आपको कहा कि मेरे रूम में मुझे एसी चाहिए, मेरे रूम में जब मेरे पास पेड़ पौधे चाहिए, मेरे रूम में अच्छी लाइट चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरा टॉलरेंस एंड रिक्वायरमेंट क्या है, आपको मेरा नीश समझ में आ रहा है, राइट. सो इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस एंड द कॉम्पिटिटर. फॉर एग्जाम्पल, बाई ग्रोइंग वेन द रिसोर्सेस आर अबंडेंट एंड वेन प्रीडेटर पैरासाइट एंड पैथोजन आर स्कार्स. जैसे कि मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, वो कब ग्रो कर सकता है, जब वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा रहें और प्रीडेटर पैरासाइट ये सब ना रहे, तो वो उसका ग्रोथ कंडीशन है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम नीश को एक तरीके से डिफाइन करते हैं. जैसे कि एक और तरीके से हम देखते हैं, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ए ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एक हैबिटेट में रहता है. इस हैबिटेट में रहने के इसके पास कुछ कंडीशंस है. हैबिटेट यानी वो उस प्लेस में रहता है, तो वो प्लेस उसके लिए हैबिटेट हो गया. लेकिन यहाँ पे इस प्लेस में भी रहने के उसके कुछ कंडीशंस है. कैसे कंडीशन, कि इसको थोड़ा सा वेट एरिया चाहिए, ऐसा एरिया जहाँ पानी हो, ठीक है, साथ ही साथ वहाँ का टेम्परेचर डाउन चाहिए, और वहाँ का जो पीएच एरिया होगा वो पीएच एरिया दैट इज 6 to 7 के बीच में चाहिए. तो देखिए यहीं पे आ गया सारी कहानी, कि ये जो प्लेस जहाँ पे वो रह रहा है, इसको तो हमने कह दिया कि भाई इट इज अ हैबिटेट, लेकिन जिस कंडीशन में वो रहेगा, जिस कंडीशन में वो सरवाइव करेगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगा, फंक्शन करेगा, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम नीश कहते हैं. ठीक है, समझ में आया. और मान लीजिए इसको खाने के लिए जो है वहां पे, इसको खाने के लिए इंसेक्ट चाहिए, वो भी इसी में चला आएगा. सबको समझ में आया नीश क्या है, हैबिटेट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों नीश को हमने प्लेस नहीं कहा, एक आइडिया कहा, एक कंडीशन कहा. तो मुझे बताइए इस कंडीशन से क्या आपको इस ए ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट का पता चला? बिल्कुल पता चला. साथ ही साथ क्या उसका टॉलरेंस पता चला आपको, कि वो कितना और क्या बर्दाश्त कर सकता है, वो भी पता चल गया.
जैसे कि इसका टॉलरेंस लेवल क्या है कि इसको वेट कंडीशन चाहिए, मतलब आप ड्राई कंडीशन दे देंगे तो शायद ये सर्वाइव नहीं करेगा। दूसरा टॉलरेंस आपको पता चला कि इसको टेम्परेचर लो चाहिए, यानी टेम्परेचर ज्यादा दे देंगे तब भी शायद सर्वाइव नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन आपको पता चला, तो ये जो कंडीशन है ये सब रिक्वायरमेंट को भी बता रही है, टॉलरेंस को भी बता रही है कि कितना तक बर्दाश्त कर सकता है ये और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सभी को डेफिनेशन क्लियर हो गया? क्योंकि डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा इसके बाद का कुछ जो भी मैं अभी पढ़ाऊंगी कुछ क्लियर नहीं होगा। तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट इज नीश, व्हाट इज हैबिटेट। तो नीश क्या है? नीश इज अ कंडीशन, ये कंडीशन है जिसमें कि हमें ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट एंड टॉलरेंस का पता चलता है, जबकि हैबिटेट एक जगह है, एक एरिया है, एक प्लेस है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो चलते हैं देखते हैं बुक्स वगैरह का क्या कहना है, क्योंकि इकोलॉजी में बुकिश लैंग्वेज का बहुत ज्यादा खेल होता है। क्योंकि जब आप बुक की लैंग्वेज को पढ़ के समझने लगते हो तो फिर समझ जाइए कि आप क्वेश्चन भी पढ़ के इजीली समझ पाओगे। ठीक है, फिर हम अपने एक्सप्लेनेशन पे दोबारा चले आएंगे। वैसे तो ये चैप्टर मैं बिना बुक के स्टेटमेंट को रीड किया समझाऊं तो ये हार्डली 40 मिनट में खत्म हो जाएगा, राइट? लेकिन वो अप्रोच सही नहीं होगा, क्योंकि उससे आपको कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा लेकिन अगर थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया तो शायद आप वहां पे फंस जाओगे। तो इकोलॉजिकल नीच जो है वो क्या होता है? इट इज अ टोटल ऑफ एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिट, यानी एक ऑर्गेनिज्म अपने एडेप्टेशन को करने के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट और क्या क्या टॉलरेंस रख पा रहा है एज अ कंडीशन, उसे हम उसका इकोलॉजिकल नीश कहते हैं। नीश आइडेंटिफाई द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी और द वे स्पीसीज मेक इट्स लिविंग। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है क्वेश्चन में कि नीश से हमको पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म का रोल उसकी कम्युनिटी में क्या होगा और साथ ही साथ एक ऑर्गेनिज्म अपने लिविंग के लिए क्या क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट रखता है। The niche of species or an individual refers to the way in which it interacts with its environment. So the niche are closely related to the environmental tolerance curve, but niche can have a behavioral dimensions, that is method of locomotion like running, swimming, flying, as well as environmental ones like temperature and limits. Yani agar hum baat karte hain कि इन्वायरमेंटल टॉलरेंस कैसा होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म के पास, वो भी उसके नीश को डिफाइन करता है। तो इसमें जो है बहुत से अलग अलग कंडीशंस आ सकते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे मूव करेगा वो भी नीश को ही बताता है, तो वो रन करेगा, स्विम करेगा या फ्लाई करेगा, या फिर वो कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहेगा, टेम्परेचर हाई चाहिए, लो चाहिए, कैसा चाहिए, ये सब कुछ जो है नीश को ही डिफाइन करता है। ओके okay? ओके, तो देखिए, सो द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नीश वॉज प्रपोज बाई हचिंगसन इन 1957। नीश के कंसेप्ट को जो है हचिंगसन ने 1957 में रखा था टू एड्रेस द वे इन विच टॉलरेंस एंड रिक्वायरमेंट इंटरैक्ट टू डिफाइन द कंडीशंस एंड रिसोर्सेस नीडेड बाई एन इंडिविजुअल और अ स्पीसीज इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस इट वे ऑफ लाइफ। यानी हचिंगसन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी हम नीश को जब डील करते हैं तो हम एक्चुअल में एक ऑर्गेनिज्म का टॉलरेंस, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके रिसोर्स कंज्यूम करने का तरीका, उसके कंडीशन ऑफ लिविंग, इन सब को एक साथ डील कर रहे होते हैं, लेकिन प्लेस को डील नहीं कर रहे होते। सो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन अंडर विच दे कैन सर्वाइव, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड फंक्शन। जैसा अभी मैंने कहा, सारे ही ऑर्गेनिज्म का अपना एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसमें कि आप सर्वाइव कर सकते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। दिस रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नॉट सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म का नीश का एक ही जैसा होगा? क्या लगता है आपको? अभी मैंने आपको बताया नीश का एक एग्जाम्पल बना के बताया था, तो आपको क्या लगता है सारे ऑर्गेनिज्म का नीश एक ही जैसा होगा? थोड़ा जवाब दीजिए। A set of environmental conditions and the resource under which species can survive, grow, reproduce, function define the ecological niche. तो इस तरीके से environmental condition के जो sets होते हैं, combinations होते हैं, जैसे कि organism कैसे जिएगा, survive करेगा, reproduce करेगा, function करेगा, इन्हीं सभी चीज का जो combination होता है उसे ही हम environmental conditions कहते हैं। बिल्कुल,
सभी ऑर्गेनिज्म का नीश एक नहीं हो सकता, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का नीश डिफरेंट होगा. जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं दिस इज अ ए ऑर्गेनिज्म. ए को क्या चाहिए? ए को खाने के लिए इंसेक्ट चाहिए, ठीक है. इसको वेट एरिया चाहिए और इसको टेम्परेचर लो चाहिए, राइट. एक बी ऑर्गेनिज्म ले लिया, बी को खाने के लिए इंसेक्ट चाहिए, सॉरी बी को खाने के लिए एंट चाहिए. इसको ड्राई कंडीशन चाहिए लिविंग का, एंड टेम्परेचर के लिए इसको कुछ वो नहीं, ऐसा भी चलेगा. सी के लिए क्या चाहिए? सी को खाने के लिए बग्स चाहिए, ठीक है. ये जो है मॉडरेट कंडीशन में रहेगा, यानी ऐसा कंडीशन जो कि वेट और ड्राई के बीच का हो, और टेम्परेचर जो है इसको मॉडरेट चाहिए. तो आप देख रहे हैं, भले ये ऑर्गेनिज्म एक ही हैबिटेट में क्यों ना पाए जाए, क्योंकि हैबिटेट एक बड़ा एरिया होता है, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म का नीश अलग हो सकता है, ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का नीश डिफरेंट हो सकता है, फाइन. जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर फॉर इंस्टेंस लिमिट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टॉलरेट डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर. दिस रेंज इज वन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इकोलॉजिकल नीश. जैसे कि टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, ग्रोथ को रिप्रोडक्शन को लिमिट करता है, यानी उस पर लिमिटेशन लगाता है. लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में क्या टेम्परेचर लिमिटेशन लगा पाएगा? जरूरी नहीं है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, उनके लिए टेम्परेचर उनके ना सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन किसी में भी बैरियर नहीं बनेगा. लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए हाई टेम्परेचर एक हर्डल क्रिएट करेगा. तो वही बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस, जैसे कि टेम्परेचर एक डायमेंशन हो गया, पीएच एक डायमेंशन हो गया, इसके अलावा फीडिंग हैबिट एक डायमेंशन हो गया, इन सबको हम डायमेंशंस कहते हैं. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग डायमेंशन रेंजेस हो सकते हैं. किसी को टेम्परेचर हाई चाहिए तो किसी को लो चाहिए, किसी को मॉडरेट चाहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इस तरीके से जो है डायमेंशंस अलग अलग हो सकते हैं इकोलॉजिकल नीश में. सो वैरी इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच दे कैन सर्वाइव. तो हर एक ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर रेंज अलग अलग हो सकता है, ठीक है. बट देर आर मेनी सच डायमेंशंस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर ही एक डायमेंशन है. अभी तो हमने एग्जाम्पल में कितने डायमेंशन देख लिए. सो देर आर मेनी सच डायमेंशंस ऑफ स्पीसीज नीश. इट्स टॉलरेंस ऑफ वेरियस अदर कंडीशंस लाइक रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, पीएच हो गया, विंड की स्पीड हो गया, वाटर फ्लो हो गया, सेलिनिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड सो ऑन. एंड इट नीड फॉर द वेरियस रिसोर्सेस. So clearly the real niche of species must be multi-dimensional. मतलब कि reality में जो organism का niche होता है ना, वो one dimensional basis पे नहीं चलता है, multi-dimensional होता है. क्योंकि उसके जो requirements होते हैं वो एक नहीं होते हैं, वो multiple होते हैं. और जितने requirement वाले parameter होंगे उतने ही ज़्यादा हम उनको dimensions कहेंगे. Temperature एक dimension है, pH दूसरा dimension हो गया, ठीक है. सॉल्ट का प्रेजेंस तीसरा डायमेंशन हो गया. अब ये इसी एग्जांपल में देख लीजिए ना, इसी में मैंने जैसे यहाँ पे मैंने तीन डायमेंशन लिया है, यहाँ पे मैंने दो डायमेंशन लिया है, यहाँ पे मैंने अगेन तीन डायमेंशन लिया है. तो जनरली अगर देखा जाए तो एक ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो वो मल्टी डायमेंशनल रिक्वायरमेंट के साथ प्रेजेंट है, राइट. तो नीश के कंसेप्ट में मल्टी डायमेंशनल एक डायरेक्शन भी मिलता है हमको. काजल जी, अब ये नीश के साथ नीड का है जोड़ा आपने, मजा आ रहा है खिचड़ी बनाने में, तो खाइए अकेले अकेले खाइए, बस हमारे साथ शेयर मत कीजिए. तो यूजुअली अ स्पीशीज हैज अ लार्जर इकोलॉजिकल नीश इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर एंड प्रीडेटर दैट इट हैज इन देयर प्रेजेंस. तो नीश का क्या कंसेप्ट है ना, कि मान लीजिए अगर एक ऑर्गेनिज्म का कॉम्पिटिटर नहीं है या प्रीडेटर नहीं है, तो एक ऑर्गेनिज्म अपने नीश का लार्जर पोर्शन जो है वो यूटिलाइज कर सकता है. जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर दूं, डी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये कॉम्पिटिटर है किसका, ए का. क्यों है कॉम्पिटिटर? क्योंकि इसको भी इंसेक्ट चाहिए और इसको भी वेट कंडीशन चाहिए.
क्या हो जाएगा, तब ये डी वाला ऑर्गेनिज्म जो है ए वाले ऑर्गेनिज्म के आसपास ही रहेगा और वो उसी नीश को यूटिलाइज करेगा जिस नीश को ए यूटिलाइज कर रहा था। तो मुझे बताइए ए का इकोलॉजिकल नीश लार्जर हो गया या स्मॉलर हो गया आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डी? क्या लगता है? What is the status of a species ecological niche in terms of size after the introduction of D species which is having the similar requirement as compared to the A? तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे A का ecological niche smaller हो जाएगा। क्यों? अब मेरे रूम में AC है right? और TV है, तो उस AC और TV का अगर मैं अकेले रहती हूँ तो मैं अकेले यूटिलाइजेशन करूंगी, अपनी फेवरेट शो को मैं लगा के टीवी पे देखूंगी। लेकिन अगर मेरे रूम में मेरी सिस्टर भी मेरे साथ रहती है तब मैं उस टीवी का यानी उस रिक्वायरमेंट या उस कंडीशन का फुल्ली खुद पे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। कुछ देर मेरी बहन की पसंद का कोई शो चलेगा तो कुछ देर मेरी पसंद का शो चलेगा। तो इस तरीके से मेरा यूटिलाइजेशन उस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन का मेरा यूटिलाइजेशन छोटा हो गया। पहले जहां मैं 8-8 घंटे टीवी पर देख सकती थी, अभी मेरी बहन शिफ्ट हो गई है मेरे रूम में तो मैं 8-8 घंटे अपने पसंद का कुछ नहीं देख सकती हूँ। मुझे टाइम डिवाइड करना पड़ेगा कि हाँ 4 घंटे वो देखेगी तो 4 घंटे मैं देखूंगी। समझ रहे हैं आप? यानी अगर किसी ऑर्गेनिज्म का इंटरफेरेंस रहता है, जैसे कि हो गया कॉम्पिटिटर या प्रीडेटर, जिसकी रिक्वायरमेंट उस ऑर्गेनिज्म के साथ मिलती जुलती है, तो ऐसे केस में इकोलॉजिकल नीश छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर यही कॉम्पिटिटर या प्रीडेटर एब्सेंट रहते हैं तो इकोलॉजिकल नीश लार्जर रहेगा, मतलब जो कंडीशन है वो सब मेरा है, मैं उसको एंजॉय करूंगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं द फंडामेंटल नीश, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रह सकता है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म कुड लिव। जैसे मेरा रूम, ठीक है, मेरे रूम में प्रेजेंट सारे कंडीशंस, आई कैन यूटिलाइज ऑल दोज कंडीशन इन माई रूम, so that is my fundamental niche. But in case जब मेरी बहन भी मेरे रूम में आके रह रही है और वो सारे वो conditions का इस्तेमाल कर रही है जो conditions के इस्तेमाल सिर्फ मेरे लिए थे, at that time that is the actual condition in which I am living. So that is why right now it is not the fundamental niche, it is the realized niche. और simple भाषा में कहा जाए तो जब sharing नहीं होती है तो जितने नीश का यूटिलाइजेशन, जितने मैक्सिमम नीश का यूटिलाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म शेयरिंग के एब्सेंस में करता है उसे हम फंडामेंटल नीश कहते हैं उसका। और जितना नीश का वो यूटिलाइजेशन शेयरिंग बेसिस पे कर पाता है उस नीश को हम रियलाइज्ड नीश कहते हैं। ठीक है, इसीलिए फंडामेंटल नीश को कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म जहां पे रह सकता है, राइट, वेयर एन ऑर्गेनिज्म कुड लिव, यानी ऐसे कंडीशन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म रह सकता था। लेकिन रियलाइज्ड नीश क्या होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में रहता है, मतलब कि वो कोई कोई कहता है ना अरे हमको मौका नहीं मिला वरना हम आईपीएस बन जाते, बट रियलिटी क्या है किसी को पता नहीं है कि एक्चुअल में उसको कंडीशन देते तो क्या वो आईपीएस बनता या नहीं बनता, राइट? तो बन जाते और बनेगा दोनों में फर्क होता है। तो रियलाइज नीश एक्चुअल में रियल कंडीशन पे डील करता है, जबकि फंडामेंटल नीश थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, मैं नेचर की बात कर रही हूँ। तो नेचर में एक ऑर्गेनिज्म अपने फंडामेंटल नीश में थोड़ी देर के लिए रह सकता है, लेकिन रियलाइज नीश कंडीशन जो है एक रियल कंडीशन होता है जिसमें उसको रहना पड़ता है अगर कोई और इंटरफेयर कर रहा है तो। अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटर चला आया जो उसके साथ कंपटीशन कर रहा है सेम रिक्वायरमेंट के लिए, तब उस ऑर्गेनिज्म को अपने रियलाइज नीश में जाना पड़ेगा, यानी अपने नीश को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके कोई कंपटीटर नहीं है, प्रीडेटर नहीं है, तब वो अपने फंडामेंटल नीश को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो जब शेयरिंग होगी तो इट विल बी रियलाइज नीश, बट जब शेयरिंग नहीं होगी सब कुछ अपन का है, देन इट विल बी फंडामेंटल नीश। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनिज्म विल सफर इफ इट्स फूड इज अनदर स्पीसीज दैट कैन नॉट टॉलरेट an environmental condition. So weak interspecific competitor lack realized niche when in competition with the stronger competitor.
तो अगर एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है तो होगा क्या कि वीक वाला भगा दिया जाएगा उस एरिया से, एलिमिनेट कर दिया जाएगा. तो हेंस वीक इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर जो होंगे वो अपने रियलाइज नीश को मिस कर देंगे, क्योंकि रियलाइज नीश को एंजॉय करने के लिए वहां पे रहना जरूरी है, राइट. तो अगर बहुत ज्यादा वीक इंट्रैक्शन है तो एट दैट केस रियलाइज नीश विल बी लैग्ड वेन इन द कॉम्पिटिशन विद द स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर. जब ये कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के साथ हो रहा होगा तो उस टाइम पे चांसेस है कि वीक इंटर स्पेसिफिक जो कॉम्पिटिटर यानी जो वीक कॉम्पिटिटर है उसका रियलाइज नीश उससे छिन जाएगा. बट ये हमेशा नहीं होता है. छिन जाने का मतलब होता है मे बी वो स्पीसीज या तो पूरा ही एलिमिनेट हो जाएगा या फिर अपना थोड़ा सा जो नीश का जोन है उसे वो थोड़ा शिफ्ट कर लेगा. क्लियर? यस. तो ये थी हमारी कहानी किसकी, दैट इज नीश की. अब चलिए थोड़ा सा फोकस रियलाइज एंड फंडामेंटल नीश पे अलग अलग तरीके से करते हैं ताकि आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाए. तो जैसे कि हमने कहा फंडामेंटल नीश क्या है, फंडामेंटल नीश हम तब देखते हैं जब कोई भी स्पीसीज अपने एक रिक्वायर्ड कंडीशन में रह रहा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है, रिप्रोड्यूस कर रहा होता है बिना किसी के डिस्टर्बेंस के, बिना किसी कंपीटिंग स्पीसीज के और बिना किसी इन्फ्लुएंसिंग स्पीसीज के. किसी का इंटरफेरेंस उस टाइम पे नहीं होता, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा होता उसकी लाइफ में उस टाइम पे. तो वहां पे उस टाइम पे उसको कोई भी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं मिलता है. ठीक है, यहां पे ले लीजिए इंटर स्पेसिफिक यानी दूसरे स्पीसीज के द्वारा कोई भी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं मिलता है, किसी का इंटरफेरेंस उसको नहीं मिलता है. हाँ, फंडामेंटल नीश लार्जर होती है कंपेयर टू रियलाइज नीश, क्योंकि जो कंडीशन है वो सब मेरा है तो ऑब्वियसली इट विल बी लार्ज कंपेयर टू द रियलाइज जिसमें कि शेयरिंग करनी पड़ रही है. लेकिन इसको हम रियल नीश नहीं कहते हैं, इसको हम थियोरिटिकल नीश कहते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में फंडामेंटल नीश बहुत लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इकोसिस्टम में कॉम्पिटिशन बहुत एक कॉमन फिनोमेना है और ऑर्गेनिजम्स की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो ओवरलैप करती है, मतलब कि टकराती है. टकराने का मतलब क्या हो गया, एक अनार सौ बीमार, यानी एक रिक्वायरमेंट कंडीशन जो है वो लगभग बहुत से ऑर्गेनिज्म को चाहिए. तो अब उस चक्कर में क्या होगा, वो लड़ते हैं, जो जीतता है वो वहां पे सरवाइव करके अपना कंडीशन को एंजॉय करता है. ठीक है, तो ये हो गया फंडामेंटल नीश. रियलाइज नीश क्या होती है, रियलाइज नीश वो नीश होती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड नीश होती है जो कि इस वजह से क्रिएट हो गई है क्योंकि उस एरिया में कंपटीशन शुरू हो गया है किसी और स्पीसीज के द्वारा या फिर इंटरफेरेंस शुरू हो गया है. तो यहाँ पे दो स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज एक ही नीश में रहने लगती है जिसकी वजह से रिसोर्स और स्पेस के लिए उनके बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, इंटरफेयर करने लगते हैं वो एक दूसरे के साथ. और रियलाइज नीश स्मॉलर होता है कंपेयर टू द फंडामेंटल नीश, क्योंकि ये मत भूलिए कंपटीशन कैसा फिनोमेना है, कंपटीशन कैसा फिनोमेना है, इट इज अ नेगेटिव इफेक्ट फिनोमेना, इट इज अ नेगेटिव इंट्रैक्शन. आपको पता ना हो तो ये इंट्रैक्शन नेगेटिव नेगेटिव माना जाता है, यानी जो दो लोग कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व हैं वो एक दूसरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. तो ये तो सारा ही इंट्रैक्शन कॉम्पिटिशन बेस्ड है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रिलेशन. चाहे प्रीडेशन ही क्यों ना हो, प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेशन में हमको क्या देखने को मिलता है, प्रीडेशन में हमको देखने को मिलता है कि ये भी एक नेगेटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव. प्रीडेटर को फायदा होता है लेकिन प्रे को नुकसान हो रहा होता है. लेकिन ये जो रियलाइज नीश है ये एक्चुअल नीश माना जाता है, ये रियल नीश माना जाता है. क्यों? क्योंकि नेचर में रियलाइज नीश में ऑर्गेनिज्म ज्यादा देखे जाते हैं जिसमें शेयरिंग हो रही होती है, ऑर्गेनिज्म जो है अपनी नीश को शेयर करके रहते हैं. यस, क्लियर हुआ ये? तो जब भी हम नेगेटिव इंट्रैक्शन की बात करते हैं ना, नेगेटिव इंट्रैक्शन में क्या देखा जाता है कि जो रियलाइज नीश है वो स्मॉलर होती है फंडामेंटल नीश से, या फिर आप कह सकते हो फंडामेंटल नीश जो है वो बड़ी होती है रियलाइज नीश से. अब इसको रटने मत जाइए,
आप खुद सोच के देखिए कि अकेले मैं अपने रूम के सारे कंडीशन इंजॉय कर रही हूँ, सो दैट इज अ लार्ज पोर्शन टू इंजॉय, राइट. लेकिन जब मेरी बहन के साथ मुझे वो कंडीशन शेयर करना पड़े तो मैं सारे कंडीशन को अकेले नहीं इंजॉय कर सकती हूँ, मुझे टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जिस चीज को मैं इंजॉय कर सकती थी उसका टाइम फ्रेम कम हो गया. जहां मैं उसको 8 घंटे देख सकती थी, अब मैं 4 घंटे बस टीवी देख पा रही हूँ, राइट. तो शेयरिंग बेसिस पे क्या हो जाता है, शेयरिंग बेसिस पे चीजें स्मॉलर हो जाती हैं. इसलिए रियलाइज नीश स्मॉलर होता है कंपेयर टू द फंडामेंटल नीश. ओके फाइन. तो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म वी कैन से दैट फंडामेंटल नीश इज अ एंटायर सेट ऑफ कंडीशन अंडर विच एन एनिमल और पॉपुलेशन और स्पीसीज कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. ठीक है. तो फंडामेंटल नीश क्या होते हैं, वो एंटायर सेट ऑफ कंडीशन होते हैं जहां पे एक ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन या स्पीसीज सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस कर सकता था. ठीक है. लेकिन रियलाइज नीश क्या होती है, रियलाइज नीश होती है अ सेट ऑफ कंडीशन जो कि एक्चुअल में यूज किया जा रहा है गिवन एनिमल पॉपुलेशन या स्पीसीज के द्वारा, जब उसका इंट्रैक्शन अदर स्पीसीज से हो रहा है, चाहे वो इंट्रैक्शन प्रिडेशन हो या कंपटीशन हो, तो उससे हम रियलाइज नीश कहते हैं. जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना, अपने जिंदगी में बहुत से लोगों के साथ मुलाकात की होगी जो बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, अरे हम होते तो ऐसा कर लेते, हम होते तो वैसा कर लेते. ठीक है. तो वो अपने फंडामेंटल नीश की बात कर रहे होते हैं. तो अगर आप उन्हीं के फील्ड में हो जिस फील्ड को लेके वो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, तो आप अपने लिए एक रियलाइज कंडीशन को बता रहे हो. अगर वो कहता है हम होते तो इतनी रैंकिंग के साथ एग्जाम क्लियर कर लेते, हम होते तो उतनी रैंकिंग के साथ एग्जाम क्लियर कर लेते अगर हमको मौका मिला होता तो. ठीक है. लेकिन आप जब रियलिटी में उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि रियलिटी क्या है, कितना आसान है वो एग्जाम और कितना आसान नहीं है. तो फंडामेंटल नीश इज समथिंग कि भाई क्या कर सकता था ऑर्गेनिज्म, और शायद वो उस कंडीशन में थोड़ी देर के लिए सर्वाइव भी कर जाएगा, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए फंडामेंटल नीश को एंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन प्रिवेलिंग है. इकोसिस्टम में कंपटीशन होना बहुत कॉमन सी चीज है. ठीक है. तो रियलाइज नीश में क्या होगा, एक्चुअल में वो कितने सेट ऑफ कंडीशंस को यूटिलाइज कर पा रहा है वो उसके रियलाइज नीश को बताएगा, स्पेशली तब जब वो दूसरे स्पीसीज के साथ इंट्रैक्शन में चला आया है. अब वो चाहे इंट्रैक्शन प्रिडेशन हो या कॉम्पिटिशन हो, यानी ये दोनों ही किसका एग्जाम्पल है, दैट इज नेगेटिव इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है. और नीश में हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, इधर प्रिडेशन और कंपटीशन. तो नोट करने वाली बात क्या है कि फंडामेंटल नीश जो है वो रियलाइज नीश से बड़ा हो सकता है, या एक एक्सेप्शन कंडीशन है जिसमें कि फंडामेंटल नीश रियलाइज नीश के बराबर हो पाता है, और ये तभी पॉसिबल है जब इंट्रैक्शन नेगेटिव चल रहा हो. जब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का इंट्रैक्शन नेगेटिव हो, नेगेटिव यानी ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें कि किसी एक पे पक्का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा हो या दोनों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा हो, जैसे कि कंपटीशन में नेगेटिव नेगेटिव दोनों पे पड़ेगा, प्रिडेशन में नेगेटिव पॉजिटिव पड़ेगा, पैरासिटिज्म में भी नेगेटिव पॉजिटिव पड़ेगा, तो ये सब के सब नेगेटिव इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया. तो जब नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है किसके बीच में, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन. इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन मतलब कि बिटवीन टू स्पीसीज, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में. ठीक है. तो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होने वाला कंपटीशन या इंट्रैक्शन इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन या कंपटीशन कहलाता है, और सेम स्पीसीज के बीच में होने वाला इंट्रैक्शन इंट्रा स्पेसिफिक कहलाता है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन या इंट्रैक्शन. तो यहाँ पे जो नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है ना, उस केस में हमको फंडामेंटल नीश रियलाइज नीश से बड़ा मिल सकता है, या एक एक्सेप्शन केस है जिसमें फंडामेंटल नीश हमको रियलाइज नीश के बराबर मिलता है. सो रियलाइज नीश फॉर डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सेम स्पीसीज मे डिफर बिकॉज द डिफरेंस इन कॉम्पिटिटर प्रिडेटर बिटवीन द लोकेशंस. बट ध्यान दीजिएगा, रियलाइज्ड नीश जो है एक ऐसा भी कंडीशन है जिसमें कि रियलाइज्ड नीश लार्जर हो सकता है फंडामेंटल नीश से, और ये भी एक एक्सेप्शन है. लेकिन ये कब हो सकता है, इसके लिए एक कंडीशन है जब पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो रहा हो, यानी ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें कि जो भी दो स्पीसीज का ग्रुप उसमें इन्वॉल्व है वो दोनों स्पीसीज के बीच में पॉजिटिव पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो रहा हो. एग्जाम्पल कोई मुझे बताएगा पॉजिटिव पॉजिटिव इंट्रैक्शन का?
तो रियलाइज नीश जो है फंडामेंटल नीश से सिर्फ एक ही केस में बड़ा हो सकता है, जब इंट्रैक्शन पॉजिटिव चल रहा हो. लेकिन हमको पता है कि जब नीश का केस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम नीश के केस में हम कॉम्पिटिशन को ही डील करते हैं, इसीलिए फिर हम इस थर्ड पॉइंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. ये भी एक रीसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग पता चला था, जिसके लिए कुछ इकोलॉजिस्ट श्योर थे, कुछ इकोलॉजिस्ट श्योर नहीं थे. तो कुछ एक आध हमारे पास केस स्टडी है जो इस बात को सपोर्ट करती है कि अगर पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है तो उस केस में शायद फंडामेंटल नीश रियलाइज नीश फंडामेंटल नीश से बड़ी हो पाए. क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंट्रैक्शन में हमेशा बेनिफिट को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, दैट इज बेनिफिट को एक्सीड किया जाता है, पहले के कंपैरिजन में बेनिफिट को और बढ़ाया जाता है. अकेला स्पीशीज जितना काम कर पा रहा था, जब वो किसी और के साथ पॉजिटिव इंट्रैक्शन में आता है तो वो काम करने का जो लिमिट है वो और बढ़ जाता है. राइट, बिल्कुल सही बोला आपने. दैट इज म्यूचुअलिज्म इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रिलेशन. ठीक है, यस. तो म्यूचुअलिज्म बोल लीजिए, सिम्बायसिस बोल लीजिए, कंप्लीटली आपके ऊपर है. तो ये सब जो है पॉजिटिव इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल बनते हैं. तो अगर पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है, जो कि एक बहुत ही रेयर केस है, उस केस में रियलाइज नीश फंडामेंटल से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके एक साथ सपोर्ट करके अपने रिक्वायरमेंट का जो कवरेज एरिया है उसे बढ़ा देंगे. लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, छीना छपटी चलती है कि ये मेरा है, तो वो बोलता है नहीं मेरा है, इस चक्कर में रियलाइज नीश छोटा हो जाता है. क्लियर हो गया, समझ में आ गया. लेकिन हम यहाँ पे, क्योंकि नीश में मैंने आपको पॉजिटिव इंट्रैक्शन का भी केस बता दिया, ताकि कभी बोलते ना कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन नीश में रियलाइज नीश और फंडामेंटल नीश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा मेन फोकस कॉम्पिटिशन होता है, एंड दैट इज वाई हम इसका नेगेटिव इंट्रैक्शन वाला जो एस्पेक्ट है ना उससे ज्यादा हम लोग लेकर चलते हैं. इक्वल कौन से कंडीशन में होगा बताया जाएगा, अभी तुरंत बताया जाएगा. ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी. ओके, तो जब हचिंसन ने 1957 में नीश का कंसेप्ट रखा, तो उनके द्वारा नीश के कंसेप्ट को जो है एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम का नाम दिया गया. इतने ही नहीं, इस कंसेप्ट के और भी बहुत से नाम हैं, जैसे कि एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नीश कंसेप्ट भी कहा जाता है, इसको हचिंसन नीश कंसेप्ट भी कहा जाता है, हाइपर वॉल्यूम नीश कंसेप्ट भी बोलते हैं, मल्टी फैक्टोरियल नीश कंसेप्ट बोला जाता है, थर्ड नीश कंसेप्ट भी बोला जाता है. सबका मीनिंग एक ही है. इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है, एन डायमेंशनल, यानी एन का मतलब क्या होता है, मैथ सबने पढ़ी है, जब हम किसी वैल्यू को जल्दी डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं लेट्स कंसीडर एन, एन नंबर ऑफ रीजंस वेयर देयर फॉर मी टू कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस. ठीक है, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स वेयर देयर, यानी जब हम कोई फैक्टर का नंबर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो नंबर दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच छह सात आठ नौ दस, इतने सारे नंबर हो सकते हैं वो, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एन. ठीक है, तो n के केस में क्या बोला है, n का मतलब हो गया दैट मे बी एनी काइंड ऑफ अ नंबर. तो n डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, तो ये जो आपके सामने एक पिक्चर रखी गई है, ऑब्वियसली इस पिक्चर में अलग अलग डायमेंशन होंगे अलग अलग जगह पे, और बोला गया है कि जब हम नीश को डिफाइन करते हैं तो नीश को डिफाइन करने के टाइम पे हम n डायमेंशनल कंसिडर करते हैं. तो हचिंसन डिफाइन द नीश एज एन n डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम, जहां पे n जो है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन बाय द स्पीशीज. तो यहाँ पे जो n है वो क्या है, वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर. एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, टेम्परेचर, पीएच, वाटर, फीडिंग कंडीशंस, ह्यूमिडिटी कंडीशन, सलिनिटी कंडीशन, ये सब हो गए क्या आपके आपके n को बताने वाले फैक्टर्स, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. हचिंसन कॉल द हाइपर वॉल्यूम which specify the value of n environmental factor permitting the species to survive and reproduce as a fundamental niche of the species. और हाइपर वॉल्यूम इसलिए बोला गया बिकॉज जो आप पिक्चर देख रहे हैं ऑब्वियसली इसकी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो इसको इसके साथ रिलेट किया गया कि हाँ ये वाला जो है एक डायमेंशन को बताएगा, ये दूसरे डायमेंशन को बताएगा, ये तीसरे डायमेंशन को बताएगा, इसी को मिला के जो है हमने एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम कह दिया. तो फंडामेंटल नीश को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया कि एक ऐसा फिजिकल कंडीशन है अंडर विच स्पीसीज माइट लिव, यानी एक ऐसा कंडीशन है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रह सकता था, मेनली कब, इन द एब्सेंस ऑफ इंट्रैक्शन विद द अदर स्पीसीज, जब किसी और स्पीसीज के साथ वो इंट्रैक्ट नहीं कर रहा है. लेकिन हचिंसन ने ये भी रिकॉग्नाइज किया
कि अगर इंट्रैक्शन हो स्पीसीज के बीच में, स्पेशली कंपटीशन, तो उसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर का इस्तेमाल है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और जब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन बचेंगे यूटिलाइजेशन के लिए, उसे उसने उन्होंने कहा दैट इज रियलाइज्ड नीश, जो कि एक एक्चुअल नीश था फॉर द स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बाय द बायोटिक इंट्रैक्शन सच एज कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, डिजीज, पैरासिटिज्म. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स नीश कैप्चर मच ऑफ वॉट वी डिस्कस्ड. ओके फाइन, इसको रहने दीजिए. तो इस तरीके से हमने ये चीज देख ली कि एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम के बेसिस पे इसको एग्जाम्पल बना के जो है हचिंगसन ने नीश के कंसेप्ट को सामने रखा. ऑल्दो इसमें वही बातें बोली गई हैं जो कि जस्ट अभी अभी हमने समझा था.